विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तारीख 8 अक्टूबर बरोज इतवार को जलपली म्यूनिसिपैलिटी के इलाके वादिया हदीस BRS पार्टी ऑफिस पर BRS पार्टी सीनियर लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन तमाम कांग्रेसी लीडरान पर शदीद तनकीद का निशाना किया जिन्होंने वजीर तालीम पी सबीता इंद्र रेड्डी और BRS पार्टी के डायनामिक व यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी पर तनकीद किया था। जलपली म्यूनिसिपैलिटी के इलाकों में कुछ भी काम न करने और आवाम को नाराहत पहुंचाने की भी बात कांग्रेसी लीडरान ने जाहिर की थी, जिस पर सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से खिताब करते हुए उन तमाम कांग्रेसी लीडरान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ख्वाजा पाशा ने कहा कि महेश्वरम असम्बली हलके के तहत हर आए दिन वजीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी की मुकम्मल और कामयाब नुमाइंदगी के तहत लाखों करोड़ों रुपयों के हर रोज़ तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे और इन्होंने इस बात की भी उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले इंतखाबात में फिर एक मरतबा वजीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी BRS पार्टी से भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेंगे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश रिपोर्टर फारूक खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मीडिया के जरिए से मैं कुछ मुखालिफ लोगों को जवाब देना चाह रहा हूँ। कल सोशल मीडिया पे चंद वीडियोस देखा मैं कांग्रेस के लोगों के, जो हमारा डायनेमिक लीडर यूथ कार्तिक अन्ना के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने नाजेबाना हरकत मतलब अल्फाज पेश करे उनके रेवंत रेड्डी के बारे में बोल के, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी लड़ाई जो है BJP से है, कांग्रेस से नहीं है बोले। और रहा सवाल, अब तुम लोग बोल रहे हैं मैडम कांग्रेस में थे, बाद में मिनिस्टर बने, ये बने, वो तो उनकी काबिलियत थी, उनकी किस्मत में था, उनकी काबिलियत से उन्होंने मिनिस्टर बने। अब जैसा कि एक साहब बोल रहे हैं कि मैं फलाना नाम है मेरा, मैं रंगारेड्डी माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ बोले, तो ये पहचान बताने की ज़रूरत आप लोगों को पड़ती, हमको नहीं पड़ती। और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा जवाब नहीं देंगे, दूसरे जने देंगे, तुम क्या जवाब देते? कार्तिक अन्ना एक टाइगर है, शेर है, उनका जवाब तुम क्या उनको जवाब देते? हमारा जवाब दो पहले, इसके बाद फिर देखेंगे हम। आज तुम लोग बोल रहे हैं पुराने बातें ला के, चोवेड़ला में ऐसा था, फलाना था, हम टिकट दिए, तुम दिए, वो तो बाबा जब तुम पार्टी में नहीं थे तुमको पहचानता कौन? तुम लोग पार्टी में आए कब? जलपल्ली म्यूनसिपल के हलके से क्या वाकिफ है? और इनके माइनॉरिटी चेयरमैन बोल रहे हैं कि मैं गली गली कूचा कूचा मालूम, वादे मुस्तफ़ा के गलियां मालूम क्या? पहले ये मालूम करो, अगर वाक़ है फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर दम है तो आओ, हम ले आके बताएंगे तुम्हारे को कि रोडा कहाँ पड़े, कहाँ पानी का आया, कहाँ डेनिस लैन पड़ी। खाली ये प्रोपेगेंडा करके कांग्रेस में हम अच्छे बनेंगे और फिर इलेक्शन के परेड में झोली में कुछ भी डाल लेंगे, वो तो नहीं होता। इनको यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। और एक साहब बोल रहे हैं रोडा डाल रहे हैं, 1 किलोमीटर तक भी नहीं है। आज उस्मानी होटल से लेके वेंकटापुर तक क्या 1 किलोमीटर की रोड नहीं है? नादी होटल से तालाब तक 1 किलोमीटर की रोड नहीं है? और एक पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर में वहां से लेकर 1.5 किलोमीटर की रोड है, जो रोड अंदर जाकर फिर राइट को मुड़ रही है, तो ये नादानों को नहीं मालूम। खाली तनखीद करना ये आता। और बोल रहे कि तेलंगाना गवर्नमेंट मजीदा शहीद करा दी, क्या करी तुम्हारे कांग्रेस के दौर में? जब एयरपोर्ट में रनवे में मजीद उमर फारूकी शहीद हो गई, जब कहाँ थे तुम? बाबरी मस्जिद कौन शहीद करे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, ये फिर बोलो। और बेवकूफ हो, तेलंगाना की एक प्यारी मस्जिद बोलो तो सेक्रेटरीट में है, कभी जाके देखो वहाँ पर। और मैडम जो तरीक़ती कामा कर रहे हैं, प्रेमर गार्डन में
शादी मुबारक दिए, इलेक्ट्रिक रक्षे दिए, सिलाई मशीन दिए, क्या तुम लोग नहीं दिखा? आज खवातीन देके गली गली में मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी के हल हरके में बिना मजोबे में लत काम कर रहे हैं, तुम लोग को नहीं दिख रहा? ये मरोड़ा नालियों की क्या बात कर रहे हैं? ये तो हमेशा का है, आपको हाईटेक सिटी में भी गड़े मिलेंगे। उसमें क्या है, कुदरती, और उस्मान नगर का बोल रहे हैं, वो कुदरती पानी है जो गिर रहा है, वो तालाब है। तो पहले वो एरिया को से मेयर को लगता तुम्हारे, वो बोलो इंतज़ाम करो, ये खाली प्रोपेगेंडे का तो नहीं होता। और यहाँ पर तुम लोगों के पास मुद्दा कुछ भी नहीं है। अब बोलना क्या है, मैडम को तनकीद करना है। मैडम मिनिस्टर बने बने, होम मिनिस्टर थे उनकी किस्मत में था, उन्होंने उस काबिल थे बने। नहीं, हमारी पार्टी टिकट दी, वो तो पार्टी किसी की नहीं रहती। तो लिहाजा बात करने से पहले सोचो, मीडिया में बोलने से पहले अपनी पहचान बता रहे हैं कि मैं रंगारेड्डी चेयरमैन हूँ बोल रहे हैं, और एक साहब बोल रहे हैं उन्होंने चेयरमैन हूँ। तो आपस में पहले कौन चेयरमैन है डिसाइड कर लो। दोनों भी बोल रहे हैं माइनॉरिटी के। अरे क्या माइनॉरिटी के, माइनॉरिटी के अलखों में कहाँ फिरे तुम लोग? वादे मुस्तफ़ा के गली गली नहीं मालूम तुम लोगों को? हाँ, जलपल्ली म्यूनसिपल के कोई वार्डों में ज़्यादा जाते नहीं, डोर टू डोर जाके कहते मालूम करे हम लोग काम नहीं करे बोल रहे। अगर दम है तो आओ वादे मुस्तफ़ा में, हम बताते। लिहाजा खबरदार, होशियार, टाइगर का मुकाबला यूथ कार्तिक अन्ना का कोई नहीं कर सकते। हम पहले हमारा जवाब दो, उसके बाद उन तक जाओ। आज खुसूसी नज़र मैडम की और उनके फर्जंद कार्तिक रेड्डी की है। यहाँ माइनॉरिटी के हलकों में 30 बेड का हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करे, वो भी मंजर आम पे आ गया। KTR साहब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जो बच्चों को दे रहे हैं बिना मजोए मिल्लत नाश्ता, वो कर रहे हैं, बहुत सारे काम है। फिर तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। जब तुम्हारी हुकूमत थी, जब तुम लोग क्या करे, कांग्रेस क्या करी? आज बोल रहे हैं गांधी भवन में, कल एक वीडियो देखा हमें, वहीं लड़ ले रहे हैं, नहीं हम लोग यहाँ हमारे को पोस्ट नहीं मिल रहा, हमको टिकट नहीं मिल रहा, अड्डे के लेबर है, क्या बोले रहे हैं? पहले अपने घर को संभालो, बाहर बोलो। और खबरदार होशियार, ये जो चीज़ें हैं मेरे को मालूम है, अब सोशल मीडिया पे आके बयान दे तो कांग्रेस वाले सीनियर खुश हो जाना, खुश होकर बोलना अरे वाकई लोग है, लिहाजा झोली में कुछ गिर जाना, क्योंकि इलेक्शन है, बरसात के बगैर तो निकलते कुछ लोग बरसात में निकलते। लिहाजा कांग्रेस का पीछा यहाँ के लोगों का इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा सोशल मीडिया के जरिए से, मेरा काम वही रहता है। और कार्तिक अन्ना को बोलने से पहले 10 बार सोचना, उन्होंने गलत नहीं बोले, सही बोले। और तुम लोग जुम्मा 8 दिन हुआ सियासत में आके, तुम लोग को पहचानता कौन? खाली पोस्टा ले ले चने बटाने के सर का, मैं माइनॉरिटी का फलाना हूँ ये हूँ, वो तो कुछ भी नहीं होता। और मैं यहाँ के माइनॉरिटी के और एक साहब है, उनको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई आप माइनॉरिटी के बोल रहे हैं, अब तक कहाँ थे आप? कभी पानी के फील्ड में नहीं दिखे, कभी लॉकडाउन में नहीं दिखे, फिर तुम्हारे लोगों से नुमाइंदे कुछ गरीबों को नहीं बांटे, हम बांटे।